सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 13 है। इससे पहले मैंने 12 वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं चेकआउट किया है तो चेकआउट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में से वही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो जेन्युइनली इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आप सभी ने सुना होगा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले आया था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद जो होता है उसमें जो मंडल होते हैं कुल 10 होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ऋग्वेद के में मंडलों की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूतकों की संख्या कितनी है? तो 1228 सूतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1,05,880 मंत्र हैं उसमें। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यानी कि 9th मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1500 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो वो है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, ऐसे तो गंगा नदी सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है ही, लेकिन जो सरस्वती नदी जो है वो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? तो इंद्र देवता हैं। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो पहला एवं दशमा। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में कहा गया है? तो अर्धवेद में करा गया है। ठीक है, तो अब इस तरीके से याद रखना कि जो सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद वर्णन जो है वो अर्थवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने ये पहले पढ़ा भी होगा कि वृहद गंगा जो है उसे हम गोदावरी बोलते हैं। सो सॉरी स्टूडेंट्स, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आप लोगों को मेरी वॉइस में भी थोड़ा चेंजेस नज़र आ रहा होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा आपको इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जिस कारण से मेरी भी तबीयत थोड़ी जो है वो ख़राब हो गई है। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा वॉइस आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप कोसी नदी कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, याद रखिएगा, कोसी नदी कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी जो है वो भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक है? तो चंबल नदी की है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमृत सेन। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या बोलते हैं? शोभ मंडल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? शोभ मंडल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। पटना यूनिवर्सिटी का भी अभी एग्जामिनेशन होने वाला है, आप लोग अगर इसमें नहीं होता तो पटना यूनिवर्सिटी में ट्राई करिएगा, वहाँ भी आप लोगों का होगा। तो वहाँ पे भी मगध महिला में या बीएन कॉलेज में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम बैटिंग। तो आज के इस वीडियो में हमने कवर अप करा है पार्ट 13 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पटना वुमेन्स कॉलेज के। सो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वॉइस में आप लोगों को थोड़ा चेंजेस नज़र आ रहा होगा। सो इसी के साथ जय हिंद।